आदमी ने औरत को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, बड़ी बड़ी वॉल लड़ी, खून खराबा किया, ऊंची ऊंची इमारतें बनाई, सिर्फ साइकिल पे कॉन्टिनेंट्स क्रॉस किए। लेकिन आज की तारीख में आदमी औरत की अटेंशन पाने के लिए क्या कर रहा है, खुद को ऑनलाइन ग्रीन फ्लैग बता रहा है। इवन सिंपिंग की हद कुछ इस कदर पार कर दी कि अपना पूरा का पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट डेडिकेट कर दिया कुची को। चाहे कुछ भी हो जाए, I'll always speak the truth because that is the most important pillar of our relationship. कोई कितना क्रिंज होने के साथ साथ स्कैरी भी हो सकता है, वो तुम्हें आज इस वीडियो में पता चलेगा। क्योंकि जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हें ये लड़का उतना ही डरावना और फिशी साउंड करेगा। ये खुद को बताता तो है द बॉय यू डिजर्व, बट एक्चुअली में ये है द पापा यू डिजर्व। क्योंकि जो एक बंदे के नाम पे चीजें करके दिखाता है, वो सब एक लड़की सिर्फ अपने पिताजी से ही एक्सपेक्ट करती है। अगर हम लोग के बीच में कभी भी बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई ना, I promise you, I'll never walk out on you. I will always put myself in your shoes before reaching any conclusion so that I can understand your point of view. Agar kabhi aap kuch aisa karte ho jisse mujhe bura lagta hai, I will not assume things. I will find a suitable time and come speak to you about it. हाँ, उसके कॉलेज की फीस भर देना भाई जाके, फादर के सेक्शन में अपना नाम लिख दे। हर एक अनाथ लड़की डिजर्व तो करती है तेरे जैसा अंडरस्टैंडिंग बाप। इस अकेले इकलौते बंदे ने मेरे पूरे इंस्टाग्राम सजेशन फीड पर टट्टी कर रखी है। द बॉस यू डिजर्व, द प्रॉमिस यू डिजर्व, एयरपोर्ट क्रश यू डिजर्व, मेला डेट यू डिजर्व, द ब्रोकर यू डिजर्व, द वर्चुअल डेट यू डिजर्व, द एक्सप्रेसिव पार्टनर यू डिजर्व, द जीजू यू डिजर्व। जीजू, तू पता तू क्या डिजर्व करता है? मेरा द केला यू डिजर्व, उन्हीं हाथों में रख दूंगा जिनसे तू ये पदोड़ी रील्स अपलोड करता है। द ग्रीन फ्लैग यू डिजर्व, बड़ी बड़ी कंट्रीज अपनी वॉर डिस्प्यूट सॉल्व कर लेते हैं बात करके, तो हम दोनों की प्रॉब्लम है ना। मामा का फोन है, मेरे को दो। हाय आंटी, कैसे हो आप? आंटी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, इसको मैं बाहर का कुछ नहीं खाने दूंगा। बंदा छोड़ो, मेरी बंदी सड़क पे मेरे से इतनी फ्रैंक हरकत करने लगे ना, मुझे उसकी अच्छाई पे डाउट हो जाएगा। होता है कोई इतना अच्छा? साला इतनी अच्छाई दिखा रहा है जैसे अभी अगले मिनट बस 5,000 रुपए मांगने ही वाला है गूगल पे पे। भाई किसी से नहीं तो भगवान से तो डर यार, भगवान खुद सरप्राइज है तेरी इतनी फेक एक्टिंग देख के। द डेट यू डिजर्व, साला मुझे तो क्राइम पेट्रोल वाली फीलिंग दे रहा है ये। मैं बता रहा हूँ, अगले मूवमेंट पे मार देगा उसको। ऐसे बाल वाले लड़के प्यार कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। ये हेयर स्टाइल विद नो बियर्ड लुक, प्योर साइको। अभी बेल्टो संभारेगा ले जाके उसे घर। भाई तू ग्रीन फ्लैग छोड़, तू ना मोबाइल बेचने वाली वीडियोस बनाया कर, एकदम तेरी पर्सनैलिटी पे बेहतरीन जाएंगी। हाँ। Bye, see you. मैं कौन जाके मैसेज करो, I'm waiting over here. फीमेल फॉलोअर्स मांग रहा है। एक दिन में इतना क्रिंज मैंने सिर्फ तुम लोगों के लिए देखा, नहीं तो मेरे पास था इंस्टाग्राम पे ब्लॉक वाला ऑप्शन। और इस इंसान का कंटेंट कमजोर दिल वाली लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं है। इसके क्राइम पेट्रोल वाले टू गुड टू बी ट्रू कैरेक्टर सिर्फ ग्रीन फ्लैग गाय तक सीमित नहीं है, ये अलग अलग रोल प्ले भी करता है इसी ग्रीन फ्लैग वाली पर्सनैलिटी में। दैट फ्रेंड हु इज फैमिली। आंटी आप घर पे हो? किधर रही है? कभी फोन नहीं उठाता है, अभी तक सो रहा है। मैं उठाता हूँ, रुको अभी। ओए सुबह हो गई मामू, मैच देखना चल, खड़ा हो जाओ। इतनी ओवर एक्टिंग करेगा तो तेरा कोई दोस्त बनेगा भी नहीं। और किसी दोस्त के घर में जाके पहले मोमेंट में इतना फ्रैंक होगा ना, उसके घर के 100 नंबर डायल करके तुझे रैंप पे से उठवा देंगे। आंटी मेरे लिए एक नींबू पानी बना दोगे प्लीज? हाँ, दोस्त की मम्मी थोड़ी है, वो तेरी काम वाली है, उसको महीने की पगार भी देने लग फ्रैंक होके। फुल बॉडी मसाज ले ले दोस्त के घर फैमिली बन के। अब कौन सा यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है तू ये? अरे आंटी आप घर पे हो? आई डोंट सी अ फ्यूचर टुगेदर। हाँ तो मैंने बोला था क्या कि ये सब करो मेरे लिए? मैंने तो नहीं बोला था ना। मम्मी भैया आज फिर लड़कियों के चक्कर में कैमरा से बात कर रहे हैं। अबे हमजा थोड़ा सा तो थम जा। और हमजा अकेला बंदा नहीं है जो लड़कियों की फैन फॉलोइंग के लिए इंटरनेट पर उन रिपीट की सब हरकतें कर रहा है। इस पार्टी का को होस्ट भी है बाबिल खान। पापा की फेम मांग रहा है सिर्फ इरफान खान जी की वजह से छुपू। यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट शी इज नॉट एन अचीवमेंट, यू डोंट गेट गर्ल्स। That statement actually a really regressive statement. बस बाबिल भाई, कितना ट्राई हार्ड करोगे लड़कियों की ग्रीन फ्लैग लिस्ट में घुसने के लिए? गर्ल्स आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो लड़का इस तरह के हर शब्द पे प्रेशर डाल डाल के ये बताए कि हमें लड़कियों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, समझ जाओ कि वही लड़का लड़कियों को उस तरह बिल्कुल ट्रीट नहीं करेगा। जिसको ट्रीट करना होता है ना, उसको यूं यूं करके बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कोई किताब नहीं है हाउ टू ट्रीट अ वुमन। सिंपिंग मैंने भी जीवन में बहुत की है, कम से कम 5-6 साल बहुत सिंपिंग की मैंने, पर इन दोनों के पैर की धूल भी नहीं हूं मैं सिंपिंग में। बाबिल भाई की टीम को लग रहा था कि बाबिल भाई ये इंटरव्यू देके बहुत ही क्यूट बन गए, फुल पीआर चलवाई इस इंटरव्यू की। भाई मैंने इतना फेक और क्रिंज आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बाबिल भाई आपकी आपकी दुनिया, आपके पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट है मेरे अंदर, बट ये इंटरव्यू मैंने पहली लाइन देखते ही बंद कर दिया था जैसे ही आपने ऐसे करना शुरू किया। यू डोंट एक्वायर अ वुमन, यू डोंट
acquire a woman. That's so regressive from a man. Women ने पूछा क्या तेरे से? है भाई? नहीं साबित क्या करना चाहता women मिलने से पहले कि हाँ जी सारी women मैं बड़ा sensitive soft बंदा हूँ. मैं ऐसे करके बहुत ही sensitive बातें कर देता हूँ women के बारे में. Women करती है तेरे बारे में कभी कोई sensitive बातें? लड़कियों को चाहिए ही नहीं soft sensitive आदमी. भाई वो है soft already. बहुत sense है उनके अंदर. She needs a man. लड़कियाँ हमें पाने के लिए करती है ऐसे cringe over acting. You don't acquire a man. क्या उन्होंने कभी ऐसा? So be real यार. पता ना कितना सीखती है. कुछ भी बोलो, कुछ भी इसको समझा लो, मगर समझेगी नहीं मेरे को. मैं चाय पीऊंगा, कॉफी इसके लिए. तुम्हारी दीदी और मेरे तरफ से तुम्हारा दिवाली का गिफ्ट. कोई बड़ा गिफ्ट नहीं, ले लो चलो. बोलो तुम लेने के लिए. हाँ जीजा नहीं पति बन जाना उसका. किसी के घर में इतना ओवर फ्रेंडली जीजा आ जाए ना, सालियों को घर में छुपा के रखना पड़ेगा. हर चीज में ओवर एक्टिंग घुसेड़नी है भाई को. अबे ग्रीन फ्लैग नहीं, ग्रीन फ्रॉग लग रहा है तू. क्या हो गया? देखो उसको ऐसे भी उधर मम्मी पापा नेटवर्क नहीं अलाउ नहीं करेंगे. तुम्हें सेफ्टी की टेंशन है ना, तो मैं ड्राइवर को बोलता हूँ रात भर उधर रुके. बकचोदी मत कर लो. चला जा भाई मेरे इंस्टाग्राम फीड में से, चला जा कसम से, वरना मैं तेरे ऊपर रील बना दूंगा. द गांडू वी डोंट डिजर्व. हाय मैं जा रहा था कॉफी पीने के लिए. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय रिक्शा. साले हर टाइम इतनी कॉल पे रहेगा ना, तो वैसे ही बेरोजगार समझ के छोड़ जाएगी. क्राइम पेट्रोल वालों को इतने एपिसोड्स बनाने की जरूरत थी नहीं यार. उन्होंने 7-8 साल बिना मतलब मेहनत किए चलता फिरता क्राइम पेट्रोल है ना, एक आधी इसकी रील चेप देते. और इसको ये सब करके लग रहा है कि लड़कियों के दिलों में इसने अलग ही जगह बना ली है, छा गया उनके दिलों में. इसका एड्रेस पूछती घूम रही है लड़कियां. भाई नो डाउट मुझे पता है कुछ लड़कियों को तो सच में बहुत पसंद होगा, बट उनकी उम्र यूपी 16. अबे नोएडा हमारे शहर में आके कर रहा है सब चिनार बनती. इस बार आ तू नोएडा, इस बार बना तू यहाँ पे आके तो लुल्ली लसन यू डिजर्व. इस बार तेरे ग्रीन फ्लैग के धागे निकाल के उसकी पतंगना बना दी ना मैंने. भाई बाइक का चाबी देना, आज करवा चौथ देना तो उसमें व्रत रख के. नहीं लेट नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो. अबे बाइक की चाबी मांग के स्कूटी पे घूम रहा है. इसीलिए बस इसीलिए मुझे इस पर और इसके कंटेंट पे ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल भी. ये गर्लफ्रेंड बोल के कैमरामैन के साथ स्वागत मना लेगा. भाई प्लीज कभी ना तुम भी 2-3 दिन के लिए करवा चौथ का व्रत रख के बेहोश हो जाओ. मुझे लेट तो नहीं होगा. ये कहा जंगल में करवा चौथ मनाने आ गया? मैं बता रहा हूँ इसके अंदर का क्राइम पेट्रोल बीच बीच में बाहर आ जाता है. ऐसे जंगल में नहीं बनता करवा चौथ. यहाँ कोई तेरा करवा जरूर फोड़ जाएगा. और भाई एक बात बता, ये जो तू इस तरह की हरकतें करता है तेरे माँ बाप तुझे मारते नहीं क्या? अगले साल घर पे सबके साथ मनाएंगे. ओह बाय द वे, घर पे कम खाना, कहीं बाहर जाते खाने के लिए. मिलता हूँ, बाय. भाई एक बार हाथ आगे करना, जिन हाथों ने ये स्क्रिप्ट लिखी थी उन पे मुझे उल्टी करनी है. ये करवा चौथ लिखा हुआ है रील पे कसम से, वरना गाली तो मैं बहुत देता इस पे. हाय कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे मन अच्छा नहीं लग रहा तो सोचा कि तुमसे मिलने के लिए आ जाता. कहीं जाते हैं ना? अपना काम छोड़ के तो घूम ही रहा है, साथ में मेरा भी छुड़वा रहा है. अच्छा नहीं लग रहा तो मैं ठेका उठाया हुआ है कि 20-30 किलोमीटर गाड़ी चला के आ जाएगा, मेरा भी टाइम छुड़वाएगा. और ऊपर से पतंग की शर्ट बना के पहन ली, साथ में घूमेगा, शर्म हो रहा है. जब तुम नहीं थे ना लाइफ में तो ऐसे कितने सारे दिन होते थे और लगता था कि बस मैं क्या करूं, कहां जाऊं. बट आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू नो नाउ व्हेन आई फील लो ऑन सर्टेन डेज आई हैव समवन टू फॉल बैक ऑन. इसका मतलब तो भाई तू यूज कर रहा है लड़की को, फिर सिर्फ अपने खराब टाइम में याद करता है. ये कैसा प्यार है? तुम्हें पता है इस दुनिया की ना बेस्ट कॉम्बिनेशन है आइसक्रीम और तुम. ये कोल्ड कोल्ड और तुम. एक और गरम गरम चीज है मेरे पास, अभी मुंह पे रख दूंगा ना सारी बकचोदी निकल जाएगी. और ये तेरी चिरांदर कहते शूट कौन करता है? हंसता वस्ता नहीं तेरा कैमरामैन? और पब्लिकली अलाउड है ये सब? मारनी पड़ती वहाँ पे. मान लिया तो फीमेल अटेंशन का भूखा है, पर इतना अब अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट तो मत गिरा भाई. हमजा थोड़ा तो थमजा भाई. सीरियसली बता रहा हूँ मैं तुझे एक चीज, तेरी पूरी रील बैठ के हमारी पूरी टीम ने देखी जब ये स्क्रिप्ट लिख रहा था मैं, सब मिलके बहुत हंसे. और रिलेट हम बिल्कुल नहीं कर पाए 1% भी. तू अच्छा ही नहीं, दुनिया की गंडाई दिखा रहा है. ऐसी दुनिया है ही नहीं बिल्कुल भी. इवन पैरेलल यूनिवर्स भी इससे 1-1% नेगेटिव ही होगा. और मुझे ये भी पता है कि तू भी ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे तू दिखा रहा है. कभी तू ऐसे मिल मेरे से, भाई बंदी में मिल, दोनों भाई बैठ के बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा. और दिलवा दूंगा जो तुझे चाहिए, दिलवा दूंगा सिर्फ 6,000 रुपए. लेकिन फिर वादा कर कि ऐसा कंटेंट बनाना बंद कर देगा, अच्छा कंटेंट बनाएगा. सिंपिंग बंद. कुछ बाल खराब नहीं होंगे, बालों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना आपकी जिंदगी है. हाँ तो गाड़ी लेके आना फिर. बातें पेलनी आ गई है, पैसा कमाना नहीं आया. पहले कार फिर लड़की से प्यार, समझा? स्कूटी वाले को स्विगी इंस्टामार्ट का डिलीवरी बॉय समझ के भगा देती है लड़कियां आजकल. लड़कियों के बारे में इतनी बात करता है, बेसिक्स तो पता होने चाहिए. बातों से 1 साल और कामयाबी से 100 साल चलता है प्यार. नींबू पानी पीते हैं. अरे सॉरी अचानक से उसमें चला जाता है, इसलिए तुम्हें स्वीट चाहिए कि सॉल्टी मिक्स? मेरा रैपिडो ड्राइवर मेरे से ऐसी बकचोदी करे ना तो रेटिंग में तो 1 स्टार और साथ में ऐप पे कंप्लेन और कर दूंगा उसकी. गर्ल्स अगर बंदा इतना क्रिंज हो तो महिला हेल्पलाइन पे उसकी शिकायत करने में कैसी शर्म. ब्रो ये सब करेगा ना तो लड़की स्कूटी से उतर के पैदल ही घर चली जाएगी. बाय. बैग तो लो अपना.
मत कर भाई, मत कर भाई, प्लीज प्लीज मत कर भाई, मैं टट्टी कर दूंगा भाई। मैं तुझे किसकी कसम दूं यार कि तू ये सब करना छोड़ दे भाई। तू अपने महीने का खर्चा भी मेरे से ले ले, मेरे से ले ले तू जो भी एक आध प्रमोशन से कमा रहे, पर फॉर ह्यूमैनिटी ह्यूमिडिटी छोड़ दे सब करना भाई प्लीज। द पीरियड केयर यू डिजर्व। अच्छा अब इसने पीरियड्स भी फील कर। ये लास्ट चीज थी जो मुझे इस अकाउंट पे देखनी थी। मतलब ये सिंप होने का ना फाइनल स्टेज है, बॉस लेवल है सिंप होने का। ऐसे लोंडो के लिए ना एक मशीन होनी चाहिए जो लड़कियों का पीरियड पेन ट्रांसफर करके इनको दे दे। अबे पीरियड्स होते लड़कियों को है और सिंपतियां धूम चूतरे लूट रहे हैं उनके नाम पे। मैं इधर बैठा हूं। अच्छा ठीक है मैं बाहर हूँ, कुछ भी चाहिए मुझे बताना। एक लड़की भी दीवाने सी। मत कर भाई, वो और ज्यादा इरिटेट हो जाएगी इस सब और एक्टिंग से, तेरे कान के नीचे एक दो जरूर लगा देगी। भाई देख मैंने ज्यादा एक्सपीरियंस तो किए नहीं भाई आपकी तरह पीरियड्स, बट हाँ इतना जरूर बता सकता हूँ कि ये सब होना भी हरकत है लड़कियों को और गुस्सा ही दिला सकती है ऐसे टाइम पे। हमजा जब कभी सुबह सुबह 10-11 बजे नहा लोगे ना भाई, उस दिन बालों पे ज्यादा ध्यान मत देना अपने, उस दिन इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा ध्यान मत देना। एक दुनिया है इंस्टाग्राम के और लड़कियों के बाहर। देख मैं कहता हूँ हम सब में एक सिम छुपा हुआ है, हम सबको फीमेल अटेंशन चाहिए, पर भाई 24 में से 23 घंटे चल इस सबको दे दे। एक घंटा, कभी एक घंटा सोच इस बारे में कि तू क्या कर रहा है। सीरियल किलर वाली वाइफ देता है भाई तू मुझे ऐसी वीडियोस में। ऐसा ही रहा ना तो सच में तेरी वाइफ भी तेरे साथ घर में रह के सेफ फील नहीं करेगी। एक काम कर दे तू ना नॉर्मल रहना शुरू कर दे। तेरे लिए मुझे वो बात याद आ रही है, बीइंग नॉर्मल इज द न्यू नॉर्मल। एक महीने की बात है मैं आ जाऊंगा। एक मिनट रुको। This is a letter that I've written for you. जब भी you feel sad or miss me, just read it, okay? Bro thinks he's the main character. Letter भी क्यों दे रहा है? और पुराने जमाने में चला जा, कबूतर के कान में बोल के उड़ा दे उसको। कहाँ यार ईमेल के जमाने में तू सलीम अनारकली अनारकली खेल रहा है। ऐसे तो तू आउटडेटेड रोमांस के नाम पे कहने लगेगा Netflix and chill मत करो, आओ कसौटी जिंदगी की देखेंगे। नहीं चाहिए भाई ये आउटडेटेड ड्रामा। आई एम द ओल्ड स्कूल। नो ब्रो, आई एम द फ्यूचर यूनिवर्सिटी। साले ओल्ड स्कूल बोल के सोचते हैं कूल दिख रहे हैं, स्टैंड आउट। जब हम बीमार होते हैं तुम्हारे बॉडी के अंदर से ढेर सारे गुंडे आ जाते हैं, और ये जो पुलिस फोर्स होती है ना हमारे बॉडी के अंदर, वैसे एकदम वीक से हो जाती है, वो कम होते हैं ना नंबर्स में, हमें अंदर और ढेर सारे पुलिस वाले भेजने होते हैं। वाओ भाई कांट रिलेट। एक तो ना भाई मैं तुझे बता रहा हूँ, ये तू 15-15 साल की बच्चियों को डेट करना बंद कर दे जो तेरे से इतना कुछ डिजर्व करती है। तू भी तो लड़की से कुछ डिजर्व करता होगा या पूरी जिंदगी नौकर बन के ही रहना है? सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, चाहता तो तू भी कुछ होगा। देख अब जब तू थोड़ा बड़ा होगा ना तो तेरे को सच में सेल्फ डिपेंडेंट मैच्योर इंडिपेंडेंट वुमेन मिलेंगी, तब तू खुद ये सारी रील्स डिलीट कर देगा। फिर तुझे एक्चुअली में पता चलेगा कि ये प्रिंस प्रिंसेस वाली कोई दुनिया ही नहीं होती, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी ब्रो भी हो सकती है ऐसे एकदम चिल। यो मैन यो ओ, ये निब्बियों के सपनों का राजकुमार बनना बंद कर दे, अपनी बी फार्मा की डिग्री पूरी कर, वापस जा कॉलेज में कुछ काम वाम ढूंढ। फिर तुझे पता लगेगा कि ये स्कूल जाते हुए बच्चों की अटेंशन के परे भी एक दुनिया है, प्रैक्टिकल थोड़ी, यह सब काल्पनिक है। ब्रो इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग। खैर यार आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, और किसी को भी ऐसे पर्सनली किसी के भी सोशल मीडिया अकाउंट पे जाकर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जो भी मजे लेने अपने यही कॉमेंट सेक्शन में लेने, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थी और ये बताने के लिए थी और मैं कितना बड़ा सिग्मा मेल हूं भाई। और जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब मैं हूंगा बाकू में या गबाला में, और तब के अगर आप व्लॉग देखना चाहते हो तो अभी होंगे लाइव वो व्लॉग्स लक्ष्य चौधरी व्लॉग चैनल पे, और मैं भी हम वहां से लाइव भी आ रहे हूं किंग्स आर्ट लाइव चैनल पे, साथ में और बहुत सारी सुंदर सुंदर खूबसूरत अपडेट देखने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मैं वहां पे ऐसा सिंपिंग वाला कॉन्टेंट बहुत कम बनाता हूँ।